नमस्कार, मैं सुशील चौधरी आपका चक्र हीलिंग मेडिटेशन में स्वागत करता हूं। आज हम अपने सातों चक्रों को संतुलित और सक्रिय करने के लिए ध्यान करेंगे। यह ध्यान आपके मन, शरीर और आत्मा को गहरे स्तर पर शांति और संतुलन प्रदान करेगा। अब किसी भी सुविधाजनक आसन में बैठ जाएं, हाथ घुटने के ऊपर या गोद में रखें। यदि घड़ी या चश्मा पहन रखा है तो उसे उतार दें। अपनी आंखों को धीरे से बंद कर लें। चेहरे को तनाव मुक्त रखें। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान हो। अब अपने शरीर को मन में देखें। आप ध्यान की स्थिति में शांत चित्त बैठे हुए हैं। अपने शरीर को आदर पूर्वक मन में देखें। इस देवीय उपहार स्वरूप शरीर को मन की आंखों से आदर पूर्वक देखते जाएं। अब तीन बार धीरे धीरे श्वास लें और धीरे धीरे श्वास छोड़ें। श्वास छोड़ते हुए अनुभव करें कि आपकी सारी चिंताएं और परेशानियां श्वास छोड़ते हुए बाहर जा रही है और आपका मन शांत हो रहा है। अब अपने सहज स्वाभाविक श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। महसूस करें कि कैसे हवा आपकी नाक से प्रवेश करती है और आपके फेफड़े में फैलती है, फिर धीरे धीरे बाहर निकलती है। श्वास की यह प्राकृतिक प्रवाह को महसूस करते जाएं। सहज और स्वाभाविक श्वास को नासिका मार्गों में महसूस करते जाएं। कोई प्रयास नहीं श्वास लेने और छोड़ने में, बस श्वास की प्राकृतिक प्रक्रिया को महसूस करते जाएं। अगर आपका मन भटकता है तो धीरे से अपने श्वास पर अपना ध्यान वापस लाएं। अब अपने पहले चक्र मूलाधार चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित करें। यह चक्र गुदा और जननेंद्रिय अंग के बीच स्थित होता है और हमारी स्थिरता और सुरक्षा का केंद्र है।
अपना ध्यान मूलाधार चक्र पर लाएं और लाल रंग की ऊर्जा को महसूस करें। एक चमकदार रोशनी की कल्पना मूलाधार चक्र पर करें। यह लाल रंग की रोशनी आपके मूलाधार चक्र को संतुलित और सक्रिय कर रही है, ऐसी भावना करें। लाल रंग की रोशनी को मूलाधार चक्र पर देखते जाएं। अब गहरी श्वास लें और श्वास छोड़ें। अब अपने दूसरे चक्र स्वाधिष्ठान चक्र पर ध्यान दें। यह चक्र हमारे रीढ़ की हड्डी के आखिरी हिस्से पर स्थित होता है और यह हमारी रचनात्मकता और जुनून का केंद्र है। अपना ध्यान स्वाधिष्ठान चक्र पर बनाए रखें और नारंगी रंग की एक चमकदार रोशनी की कल्पना करें। नारंगी रंग की रोशनी आपके स्वाधिष्ठान चक्र को संतुलित और सक्रिय कर रही है। स्वाधिष्ठान चक्र पर नारंगी रंग के ऊर्जा को रोशनी को फैलते हुए देखते जाएं। अब गहरी श्वास लें और श्वास गहरी छोड़ें। अब अपने तीसरे चक्र मणिपुर चक्र पर ध्यान केंद्रित करें। यह चक्र हमारे नाभि के पास स्थित होता है और हमारी शक्ति और आत्मविश्वास का केंद्र है। अपने ध्यान की दृष्टि को इस स्थान पर लाएं और पीले रंग की एक चमकदार रोशनी की कल्पना मणिपुर चक्र पर करें। यह रोशनी आपके मणिपुर चक्र को संतुलित और सक्रिय कर रही है, ऐसी भावना करें। आपका मणिपुर चक्र पीले रंग की रोशनी से सक्रिय और संतुलित हो रहा है। अब गहरी श्वास लें और श्वास छोड़े। अब अनाहत चक्र का ध्यान करें। अनाहत चक्र हमारे हृदय केंद्र के पास स्थित होता है
और हमारी प्रेम और करुणा का केंद्र है। अपनी ध्यान की दृष्टि को अनाहत चक्र पर लाएं और हरे रंग की एक चमकदार रोशनी की कल्पना करें। यह हरे रंग की रोशनी आपके अनाहत चक्र को संतुलित और सक्रिय कर रही है, ऐसी भावना करें। हरे रंग की रोशनी आपके अनाहत चक्र को सक्रिय और संतुलित बना रही है। अब गहरी श्वास लें और श्वास छोड़ें। अब विशुद्धि चक्र पर ध्यान केंद्रित करें। यह चक्र हमारे गले में स्थित होता है और हमारी संचार और अभिव्यक्ति का केंद्र है। अपने ध्यान की दृष्टि को विशुद्धि चक्र पर लाएं और नीले रंग की एक चमकदार रोशनी की कल्पना करें। यह नीले रंग की चमकदार रोशनी आपके विशुद्धि चक्र को संतुलित और सक्रिय कर रही है, ऐसी भावना करें। अब गहरी श्वास लें और श्वास छोड़ें और आज्ञा चक्र का ध्यान करें। आज्ञा चक्र हमारे भ्रूमध्य के पीछे माथे के बीच में स्थित होता है और यह हमारी अंतर्दृष्टि और ज्ञान का केंद्र है। अपने ध्यान की दृष्टि को इस स्थान पर लाएं और इंडिगो रंग की एक चमकदार रोशनी की कल्पना करें। इंडिगो रंग की चमकदार रोशनी आपके आज्ञा चक्र को संतुलित और सक्रिय कर रही है, ऐसी भावना करें। अब गहरी श्वास लें और श्वास छोड़ें। अब सातवें चक्र सहस्रार चक्र का ध्यान करें। यह चक्र हमारे सिर के शीर्ष पर स्थित होता है और हमारी आध्यात्मिकता और ब्रह्मांड से जुड़ाव का केंद्र है। अपने ध्यान की दृष्टि को सहस्रार चक्र पर लाकर बैंगनी या सफेद रंग की एक चमकदार रोशनी की कल्पना करें। यह रोशनी आपके सहस्रार चक्र को संतुलित और सक्रिय कर रही है, ऐसी भावना करें। अब गहरी श्वास लें और श्वास छोड़ें और महसूस करें कि सभी चक्र एक साथ मिलकर सामंजस्यपूर्ण ऊर्जा का प्रवाह बना रहे हैं।
चक्रों के ऊर्जा का प्रवाह आपके पूरे शरीर और मन को शांति, संतुलन और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर रही है। अब ध्यान का अभ्यास समाप्ति की ओर है। अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग बनिए। आप ध्यान की स्थिति में बैठे हुए हैं, इसे मन में देखें। अब 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करना है। ओम मंत्र के उच्चारण के लिए लंबी गहरी श्वास लें। हथेलियों को आपस में रगड़ें, हथेलियों में गर्माहट लाएं। हथेलियों में गर्माहट लाकर हथेलियों को चेहरे के ऊपर रखें। हथेलियों को चेहरे के ऊपर रखने के बाद धीरे से आंखों को हथेली के पीछे ही खोल लेना है। ध्यान का अभ्यास यहीं पे समाप्त हो रहा है।